सामने देख सकते हैं हेलीकॉप्टर आ चुका है केदारनाथ से राइट यात्रियों को लेकर के। ये चेक करिए गाइस, अभी ये केदारनाथ से यात्रियों को लेकर के आ चुके हैं और यहाँ से अभी दूसरा स्लॉट यहाँ से जाएगा। अपने पास से मैं पहली बार हेलीकॉप्टर देख रहा हूँ, काफ़ी नियरेस्ट है मेरे, आप देख सकते हैं सामने ही है और पीछे का व्यू आपको काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरह के यहाँ पे रूम्स है जहाँ पे हम रुके हुए हैं और अपनी गाड़ी सामने खड़ी है जहाँ पे तौलिया तका हुआ है और साथ में एक उस्ताद और हमारे यूपी नंबर गाड़ी आ रखी है, यूपी 14 नंबर टेम्पो ट्रैवल। और सामने का व्यू देखिएगा, इस पहाड़ों में आपको काफ़ी बर्फ़ दिखेगी और जस्ट इसी के अपोजिट में केदारनाथ धाम है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा इस टाइम पर देखने को मिलता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस टाइम पे सुबह का यहाँ पे। और आप लोग भी इन खूबसूरत वादियों में आना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे है। और मौसम जो है गाइस, अभी दो दिन से ही यहाँ पे मौसम क्लियर है, कल शाम को तो बारिश हुई थी लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम यहाँ पे खुला हुआ है और हल्की हल्की धूप वगैरह यहाँ पे आई हुई है और चारों तरफ का आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का इस टाइम पे। और बर्फ जब सूरज की रोशनी इसमें पड़ रही है तो काफ़ी और ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं एकदम चमकते हुए। और ये गाइस जुलाई की ही बर्फ़ है, जुलाई में बारिश हुई थी और अभी रिसेंटली जो अभी डेढ़ दो हफ्ते पहले बर्फ़बारी हुई है, ये वही बर्फ़ है जो टिकी हुई है जो आपको एकदम क्लियर नज़र आ रही है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ का व्यू देखने को मिलता है जैसा कि आप लोग ब्लॉग के माध्यम से देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर व्यू देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है, पूरी ग्रीनरी है। और जितने भी आपको यहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं, घाटियाँ दिख रही है, केदार घाटी बोला जाता है यहाँ पे। और सामने हेलीकॉप्टर अपना केदारनाथ से आते हुए और अभी हम फाटा से ऊपर हैं और यहाँ से हमारे राइडर्स लोग भी ऊपर चले गए हैं, सुबह अभी आए नहीं हैं। और सामने का व्यू चेक करें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सामने जो आपको रोड दिख रही है ये जा रही है केदारनाथ के लिए और ये गाड़ियाँ जो आ रही हैं केदारनाथ से, गाड़ियाँ वापस अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए आ रही हैं। कुछ इस तरह का यहाँ पे इस टाइम पे व्यू देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम इस टाइम पे हो रखा है, धूप आई हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तुंगनाथ हम पहुँच चुके हैं और अभी हम तुंगनाथ में हैं। तुंगनाथ शायद मेरे ख्याल से हम यहाँ पे नाइट स्टे नहीं करेंगे क्योंकि राइडर्स लोग नहीं जाएंगे, तो उस व्याप पे हम निकल जाएंगे सीधे आगे के लिए और आगे जाके देखते हैं कि कहाँ पर नाइट स्टे करेंगे। और अभी हम फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आधा घंटा करीब हो चुका है अभी, मैंने लंच वगैरह भी यहाँ पे कर लिया है, चाय पानी वगैरह सब आराम से कर लिया है। और बाहर का व्यू देखे तो कुछ इस टाइप का है, सामने अपनी गाड़ियाँ पार्क है और ये है सोमनाथ चौपटा और यहाँ से ऊपर कुछ पहाड़ी पे जाते हैं तो वहाँ से उधर जो है तुंगनाथ मंदिर है भोलेनाथ जी का। और मेन जो तुंगनाथ का रास्ता है वो आगे से है और सामने पहाड़ों में आपको बर्फ़ दिख रही होगी। मौसम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस टाइम पे ठंडा हो रखा है और यहाँ का व्यू देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू है, मोबाइल में उतनी क्लैरिटी वीडियो में आपको नहीं दिख पा रही होगी। सामने काफ़ी रोड है, यहाँ पे रास्ते हैं, गाड़ियाँ आ जा रही है, बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ से देखने में। और अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा यहाँ पे हो चुका है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए।
ये नीचे जो आप खाली मैदान देखेंगे, यहाँ पे सीजन के टाइम पे जब स्नोफॉल वगैरह होता है, स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो है कैंप वगैरह लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी बारिश की वजह से यहाँ पे आपको कैंप वगैरह कम दिख रहे हैं, अभी बारिश वगैरह बंद हो जाएगी तो यहाँ पे कैंप वगैरह लगने शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये हमारे राइडर्स लोग हैं। गाइस हम निकल चुके हैं चोपटा से, और चोपटा से निकलने के बाद हमें पूरा डाउन नीचे को उतरना है, तो काफी खूबसूरत यहाँ पे व्यू पॉइंट आपको नजर आते हैं, और काफी खूबसूरत यहाँ पे हसीन वादियों में आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सी जगह पे यहाँ पे दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आप आराम से गाड़ी रोक करके इन खूबसूरत वादियों का आनंद उठा सकते हैं, और इन खूबसूरत वादियों को अपने मोबाइल में या अपने कैमरा में सेव कर सकते हैं, मेमोरी सेव कर सकते हैं आगे अपने इन फ्यूचर के लिए। तो गाइस सामने का व्यू देखिए, कितने जबरदस्त बादल यहाँ पे दिख रहे हैं, और व्यू काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे देखने को मिलता है। गाइस अगर आप इस रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पूरे आपको यहाँ पे डाउन ही चलना है यहाँ पे, तो ओवर स्पीड का ध्यान रखें, ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और ओवरटेक ना करें। अगर आप डाउन में चल रहे हैं तो स्पीड अपनी कम से कम रखें, क्योंकि अगर ऊपर नीचे से कोई एकदम से गाड़ी आ गई तो ब्रेक आपकी नहीं लग पाएंगी। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं और इस ट्रिप को आप इंजॉय करें। चोपटा से निकलने के बाद, और चोपटा के बाद आगे आता है मंडल, एक जगह का नाम है। मंडल आने के बाद, मंडल क्रॉस करने के बाद कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है, और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो सर हैं उनकी थोड़ा सा तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब क्यों हो रही है, क्योंकि उतराई चढ़ाई है, घुमा हुआ है, तो थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। तो अभी हम रुके हुए हैं 10-15 मिनट के रेस्ट के लिए, फिर देखते हैं या तो गोपेश्वर में कहीं पे स्टे कर लेंगे, और या फिर अपना चमोली में स्टे कर लेंगे। ठीक है, इस चले चलते हैं। ठीक है, और देखते हैं कहाँ रुकते हैं, या तो गोपेश्वर रुकेंगे या फिर चमोली रुकेंगे, वहीं पे आपको मिलता हूँ मैं। और व्यू देखिए बाहर का, बहुत ज़बरदस्त है।